वंदे मातरम स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हर्षवर्धन के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि नर्मदा के मैदान में जो युद्ध हुआ था नॉर्थ इंडिया के राजा हर्षवर्धन और साउथ इंडिया के ग्रेट एम्परर पुलकेशी टू उन दोनों के बीच में, जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे। तो इतने अच्छे राजा को हराने वाला राजा था पुलकेशी टू। तो पुलकेशी टू के बारे में भी हमें डिटेल में लर्न करना है थोड़ा सा। अमोंग द कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ हर्ष टाइम पुलकेशी टू वॉज मोस्ट पावरफुल चालुक्य किंग। पुलकेशी टू जो है वो चालुक्य वंश का राजा था और हर्ष के कंपेयर में ही वो भी बहुत ही बलवान राजा था। ही टुक द पावर फ्रॉम राष्ट्रकुट इन महाराष्ट्र एंड एस्टैब्लिश अ स्टेट। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रकुट से साम्राज्य स्टार्ट किया था और एक राज्य स्थापा था। पुलकेशी टू रूल फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर। उन्होंने 40 ईयर्स तक शासन किया। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष। उन्होंने हर्ष राजा को भी हराया। ही वॉज अ ग्रेट विनर। वो बहुत ही भव्य विजेता थे। आफ्टर डिफीटिंग कदम गंगास ऑफ महेश्वर मौर्यस ऑफ कोंकण ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द साउथ। यानी कि साउथ में आने वाले बड़े बड़े साम्राज्य जैसे कि गंगास ऑफ महेश्वर मौर्यस ऑफ कोंकण उसके साथ साथ कदम, इन सबको हराने के बाद साउथ के भगवान उनको माना जाता था, उनको टाइटल मिला था लॉर्ड ऑफ साउथ। ही ऑल्सो डिफीटेड लाट मलाव एंड गुर्जर्स। ही वॉज अ रूलर ऑफ रिलीजन्स ऑफ कर्नाटका महाराष्ट्र एंड कोंकण। यानी कि उन्होंने लाट मलाव और गुर्जर्स जो कि हमारे गुजरात के थोड़े से पार्ट में आता है उनको हराया था। साथ ही साथ कर्नाटक महाराष्ट्र और कोंकण में भी उनका शासन था। मतलब भारत के साउथ में तो उसका शासन था, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पर उनका शासन फैला हुआ था। जस्ट लाइक हर्ष ही ऑल्सो डेवलप रिलेशन विद अदर कंट्रीज। जैसे कि हर्ष ने चाइनीज ट्रैवलर यूएन सांग की मदद से चीनी ट्रैवलर्स में भी डेलीगेशन भेजता रहा था। चाइनीज लोग हमारे इंडिया में हर्ष को डेलीगेशन भेजते रहते थे। इसी तरीके से यहाँ पे पुलकेशी टू ने भी हमारे जो पड़ोसी कंट्रीज जो होते हैं, अदर कंट्रीज जो होते हैं, उसके साथ मैत्री संबंध बनाए रखे थे, अच्छे रिलेशन बनाए रखे थे। ही हैड सेंट वन ऑफ हिज एम्बेसडर टू ईरान एम्परर खुसरो टू हु इज हिज फ्रेंड। उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को ईरान के राजा खुसरो टू थे उनको भेजा था और वो उनके दोस्त थे। तो यहाँ पे पुलकेशी टू का पोर्शन फिनिश होता है। नेक्स्ट हमें अदर स्टेट्स के बारे में लर्न करना है। एट दिस टाइम अदर स्टेट इंक्लूडेड पल्लव ऑफ कांची गुर्जर प्रतिहारा ऑफ राजस्थान मैत्र ऑफ वल्लभी गुर्जर इन साउथ गुजरात करकोटक इन कश्मीर एक्सेट्रा। पल्लव ऑफ कांची हैड बिकम अ फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड आर्ट। कांची के पल्लव जो थे वो बांधकाम और कलाकृति के लिए बहुत ही प्रचलित थे। दे बिल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश बाय कटिंग रॉक्स। उन्होंने पत्थर को कट करके ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई थी। पल्लव वो बिल्ड चेरियट टेम्पल ऑन सी तो शी श्योर हैव इंक्रीज इंडियाज कल्चरल प्रॉस्पेरिटी। उन्होंने समुद्र के किनारे एक बनाया हुआ रथ था जो कि हमारे भारत की भव्यता को बहुत ही शोभा देता है, बढ़ाता है। कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ड इन कांचीपुरम कैन बी कंसिडर एज द बेस्ट टेम्पल ऑफ दैट टाइम। कांचीपुरम में कैलाशनाथ टेम्पल है वो उस समय का बहुत ही भव्य टेम्पल माना जाता था। तो आज हमें इतना ही लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज है, छोटी सी है, वो हम लर्न करेंगे। ओके, तब तक आप इतना लर्न करो और समझो। एंड वंदे मातरम।